नीमच में भारतीय जनता पार्टी ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। शहर के महू नसीराबाद रोड स्थित पेट पूजा पर शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे आयोजित हुई इस प्रेस वार्ता में मंसूर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार सहित अन्य भाजपाई मौजूद रहे। पूर्व विधायक सिसोदिया ने केंद्र व प्रदेश की सरकार के विकास कार्यों का बखान किया, साथ ही ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने जो परिणाम दिया उससे ये स्पष्ट हो गया कि मध्यप्रदेश के मन में मोदी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन मस्तिष्क में भी मध्यप्रदेश का विशिष्ट स्थान है। भाजपा ने मध्यप्रदेश के सामूहिक नेतृत्व, कुशल रणनीति के साथ ही समर्पित कार्यकर्ताओं की श्रृंखला में विधानसभा और लोकसभा की पूर्ण विजय को सुनिश्चित किया। इस प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद थे। अगर आप तुलना करेंगे तो प्रधानमंत्री 10 बरस तक मनमोहन सिंह जी भी रहे हैं, प्रधानमंत्री 10 बरस तक वर्तमान है नरेंद्र मोदी जी भी रहे हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र से लाकर के देश का नाम विदेशों में बदनाम करने के जो षड्यंत्र, जो साजिश चल रही है, विशेष करके बेरोजगारी के मामले पर, महंगाई के मामले पर, अगर आप देखेंगे तो 12.5 करोड़ के लगभग रोजगार उपलब्ध हुए, सृजन हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, वहाँ पर 2.5 के आसपास था। महंगाई का भी जो दर है वो 10% तक, 5% तक 10% था। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व, जो क्षमता है, उसको कांग्रेस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो पचा नहीं पा रहे हैं। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने आज तय किया पूरे मध्यप्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता करके आपके माध्यम से जनता को पहुंचाने की कि संविधान की कापियां दिखा करके राहुल गांधी ने और कांग्रेस की लाइन से जिस प्रकार से संविधान का नाम लेकर के भारत को बदनाम करने की कोशिश करी, जरा देखें तो सही कि आपातकाल किसने लगाया। आज का 25 बरस का 20 बरस के व्यक्ति को पता नहीं, बच्चे को, युवा को, के आपातकाल क्या होता था। इंदिरा गांधी ने अपनी सीट जो हाईकोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था इंदिरा जी को, प्रधानमंत्री पद से हट गई थी, देर रात उन्होंने आपातकाल लगा दिया। आपातकाल लगाने का काम दिल्ली किया है, कई बार संविधान बदलने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, लेकिन नेहरू को दिया गया, महंगाई को लेकर नेहरू खिला दिया, बेरोजगारी को लेकर के नेहरू खिला दिया। जो विकास के काम हुए हैं, और 15 मरतबा 10 बरस में अगर किसी एक प्रधानमंत्री को नागरिक सम्मान से पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुआ। ये बड़े अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन जी, उनको तो 2 बार ही मिला विदेशों में, मोदी जी को श्रृंखला पर मिला 15 बार। अभी रूस में आप देखिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी अगर किसी को उम्मीद होती है भारत से होती है, भारत का जो प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये उसी का नतीजा है कि कांग्रेस और कांग्रेस के अलायंस के लोग घबराहट में है और नैरेटिव फैला करके देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, मोदी जी को कमजोर करने की कोशिश की। नीमच जिले में वो मामला है, इसको बुलाने से कितनी भाड़े मार दी क्या पीछे चुप करो यार, मुझे नहीं जाएंगे अभी प्रश्न जिला की जानकारी में आ गया, मेरी जानकारी में नहीं आया है, स्थानीय मामला तलाश करेंगे।